जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2021 में आई एक फ्रेंच कैनिबल फिल्म बाबीक्यू के बारे में। दोस्तों इस फिल्म की कहानी काफी अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये कहानी एक ऐसे कपल की है जो कि कैनिबल नहीं बनना चाहते थे, लेकिन ना चाहते हुए भी उन्हें कैनिबल बनना पड़ता है। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक कपल विंसेंट और सोफी दिखाए जाते हैं जो कि एक बुचर शॉप ओन करते थे। उनकी शॉप काफी घाटे में चल रही थी क्योंकि उनसे कोई मीट नहीं खरीदता था। एक लेडी उनसे मीट लेने आती है जो कि उनकी रेगुलर कस्टमर थी। विंसेंट उस लेडी के लिए मीट को काटता है और उसे मसाज करता है, और सोफी और वो कस्टमर ये देख के काफी ऑकवर्ड फील करते हैं। उसके बाद विंसेंट उसे मीट देता है और उससे पैसे लेता है। सोफी विंसेंट से कहती है कि क्या उसे मीट देने से पहले उसे मसाज करना जरूरी है, तो विंसेंट उससे कहता है कि इससे मीट और भी ज्यादा टेंडर बनता है। तभी उनके दुकान पे कुछ मास्क पहने वेगन आते हैं और उनपे अटैक कर देते हैं। वो उनकी दुकान में तोड़फोड़ करते हैं और उनके सामान को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। विंसेंट एक वेगन को पकड़ लेता है और उसका मास्क उतार के वो उसका चेहरा देख लेता है। तभी उसके बाकी के साथी वहां पे आते हैं जो विंसेंट को पीट के अपने साथी को ले जाते हैं। अगले दिन सोफी और विंसेंट अपने बेस्ट फ्रेंड मार्क और उसकी बीवी के पास जाते हैं, जिनकी 4-5 बुचर शॉप्स थी और वो लोग काफी अच्छा कमाते थे। मार्क की बीवी सोफी के सामने काफी शो ऑफ करती है। वो उससे कहती है कि मार्क ने उसे सबसे महंगे कॉटन के कपड़े दिलाए हैं। वो सोफी के कपड़ों को देख के कहती है कि उसके कपड़े काफी सस्ते हैं। उसके बाद वो चारों मिल के बाहर लंच करते हैं, जहां मार्क विंसेंट से कहता है कि वो एक और स्टोर खोलने का प्लान कर रहा है। वो विंसेंट के लिए एक गिफ्ट लेकर आता है, और जब विंसेंट उसे खोलता है तो उसके अंदर एक राइफल थी। विंसेंट उससे पूछता है कि आखिर वो उसे ये राइफल क्यों देना चाहता है, तो मार्क उससे कहता है कि आए दिन वेगन्स उनकी शॉप पे हमला करते रहते हैं, इसीलिए वो उसे ये गन दे रहा है ताकि वो अपनी प्रोटेक्शन कर सके। वो विंसेंट को ताने मारते हुए ये भी कहता है कि ये गन काफी महंगी है, और वो जानता है कि वो इस गन को अफोर्ड नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसने ये गन उसे एज अ गिफ्ट देनी चाहिए। विंसेंट उसके गिफ्ट को रख लेता है और सोफी को लेके घर जाने लगता है। वो दोनों मार्क और उसकी बीवी के तानों से काफी तंग आ गए थे। तभी विंसेंट को रास्ते में वही वेगन लड़का दिखता है जिसने उसकी दुकान पे हमला किया था। वो मार्क के तानों से काफी गुस्से में होता है, और वो सोफी को उस वेगन लड़के को दिखाता है और उससे कहता है कि उन्हें उसे सबक सिखाना ही होगा। वो गुस्से में उस वेगन लड़के पे अपनी गाड़ी चढ़ा देता है, जिससे उस लड़के की मौत हो जाती है। उसकी लाश देख के वो दोनों काफी डर जाते हैं और सोचते हैं कि ये उन्होंने क्या कर दिया। सोफी सीरियल किलर्स के बारे में एक शो देखा करती थी, इसीलिए वो विंसेंट से कहती है कि वो इसकी लाश को वैसे ही डिस्ट्रॉय करेंगे जैसे उस सीरियल किलर ने किया था। वो लोग उस लड़के की लाश को अपने घर ले आते हैं और विंसेंट उसे चॉप करता है, और सोफी आराम से बैठ के टीवी में सीरियल किलर्स वाला शो देखती है। विंसेंट जब उसकी बॉडी काट रहा होता है तो गलती से उसके कान का टुकड़ा नीचे गिर जाता है, जिसे उनका डॉगी खा लेता है। उसके बाद विंसेंट उसे दूसरा कान भी सर्व करता है और वो डॉगी उसे मजे से खाता है। ये देख के विंसेंट के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सोफी से इस बारे में बात करने जाता है, लेकिन सोफी उसकी बात नहीं सुनती और वो सो जाती है। अगली सुबह विंसेंट अपनी शॉप में आता है और वो सोफी को उसके आइडिया के बारे में बताने वाला होता है, लेकिन तभी उनकी रेगुलर कस्टमर वहां पे आ जाती है जो उनसे हैम मांगती है। विंसेंट उससे कहता है कि आज वो उनका स्पेशल पोर्क मीट ट्राई करे, तो वो लेडी उससे कहती है कि वो पोर्क मीट को ही पैक कर दे, आज वो कुछ अलग बना के खाना चाहती है। सोफी विंसेंट की बात सुन के हैरान हो जाती है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर रातों रात वो पोर्क मीट कहाँ से ले आया। वो विंसेंट से कहती है कि वो पहले उसे वो पोर्क मीट चखाए, और अगर उसे वो मीट पसंद आएगा तो वो उसे अपने कस्टमर्स को देंगे। विंसेंट सोफी को वो मांस का टुकड़ा चखाता है, और सोफी को वो काफी पसंद आता है तो वो अपने कस्टमर को वही बेचता है। विंसेंट अपनी कस्टमर को बताता है कि ये पोर्क काफी अलग तरह का है, क्योंकि उसने ये ईरान से मंगाया है और इसका स्वाद बाकी पोर्क से काफी अलग है। उस कस्टमर के जाने के बाद विंसेंट सोफी से कहता है कि जो मीट उसने चखा है वो पोर्क का नहीं है, बल्कि वो उस वेगन का मीट है जिसे उन्होंने कल मार डाला था। इसके सोफी हैरान हो जाती है और उसे डांटती है, तो विंसेंट वो मीट उठाता है और उसे फेंकने के लिए जाता है, लेकिन सोफी उसे रोकती है और उससे कहती है कि वो मीट काफी स्वादिष्ट था। तभी वहां पे ढेर सारे कस्टमर्स आते हैं जो उस ईरानियन पोर्क को खरीदने आए थे, क्योंकि जिस लेडी ने वो खरीदा था उन्होंने उसके पोर्क का प्रमोशन कर दिया था। उन लोगों को ये नहीं पता था कि ये पोर्क नहीं है बल्कि ह्यूमन मीट है, और वो उसे खरीद के ले जाके चाव से खा रहे थे। कुछ देर बाद विंसेंट की शॉप में एक इंस्पेक्टर आता है, जो उससे कहता है कि उसने उसके ईरानियन पोर्क के बारे में काफी सुना है, तो वो उसके लिए भी वो मीट पैक कर दे। विंसेंट उसको भी वो मीट देता है और उसकी दुकान काफी प्रचलित हो जाती है। रात को विंसेंट सोचता है कि आखिर उस इंसान के मीट में ऐसा क्या है जो इतने सारे लोग उसे खा रहे हैं। वो थोड़ा सा मांस का टुकड़ा पका के उसे खाता है, जो कि उसे काफी ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। सोफी जब उसे वो मांस का टुकड़ा खाता हुआ देखती है, तो वो उससे कहती है कि अगर उन्हें अपना बिजनेस बढ़ाना है तो उन्हें और भी वेगन का मांस लाना होगा।
होगा। विंसेंट इसके खिलाफ होता है और वो उससे कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते। अगले दिन विंसेंट और सोफी की बेटी और उसका बॉयफ्रेंड उनसे मिलने आते हैं। विंसेंट उन्हें जेगन सर्व करता है तो वो लड़का कहता है कि वो वेगन है और वो नॉनवेज को हाथ भी नहीं लगाता। उसके बाद विंसेंट अपनी बेटी को वो सर्व करने जाता है तो उसकी बेटी कहती है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड के लिए नॉनवेज को त्याग दिया है। सोफी उन दोनों को वाइन सर्व करती है तो वो दोनों वाइन को भी रिफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि उस लड़के का मानना था कि वाइन जब बनाई जाती है तो सैकड़ों कीड़े मकोड़े उसके अंदर मर जाते हैं, इसीलिए वो दोनों वाइन का सेवन भी नहीं करते। फिर सोफी एक केक लेके आती है तो वो लड़का वो केक खाने से भी इनकार कर देता है, क्योंकि उसका मानना था कि केक के अंदर अंडा होता है जिसे वो नहीं खाते। ये सब देख के विंसेंट को वेगन्स के प्रति काफी नफरत हो जाती है और वो अपनी बीवी से कहता है कि वो लोग एक वेगन का शिकार करने जाएंगे। सबसे पहले वो वेगन रेस्टोरेंट में जाते हैं ताकि वो वहाँ पे किसी को सेलेक्ट कर सके, लेकिन उन्हें वहाँ पे कोई भी पसंद नहीं आता। तभी वो लोग उस रेस्टोरेंट के ओनर को देखते हैं जो कि काफी चबी था। वो बंदा उन्हें पसंद आता है क्योंकि वो एक अच्छा मीट बन सकता था। रात को वो बंदा जब रेस्टोरेंट क्लोज करके अपने घर जा रहा होता है तो वो दोनों उसका पीछा करते हैं। विंसेंट अपना क्लीवर निकाल के उसे मारने जाता है, लेकिन जब वो उस बंदे की आंखों में देखता है तो वो काफी डर जाता है और वो सोचता है कि वो किसी की जान नहीं ले सकता। वो वहां से भाग निकलता है और सोफी से कहता है कि वो उस बंदे को नहीं मार पाया, क्योंकि जब उसने उसकी आंखों में देखा तो उसे स्ट्रेस नजर आया और अगर वो उसे मीट बनाते तो स्ट्रेस की वजह से उसका मीट स्वादिष्ट नहीं होता। सोफी समझ जाती है कि वो बहाने बना रहा है क्योंकि उसके अंदर हिम्मत नहीं है किसी को जान से मारने की। वो दोनों प्लान करते हैं कि सबसे पहले वो लोग वेगन की तरह बिहेव करेंगे, जिससे कि कुछ वेगन उनसे दोस्ती करेंगे और वो लोग उन्हें मार डालेंगे। अगले दिन वो एक मीट शॉप के बाहर वेगन बन के खड़े हो जाते हैं और वहां पे नारे लगाते हैं कि उन्हें जानवरों को नहीं मारना चाहिए। एक आदमी उनसे लड़ जाता है और उनसे कहता है कि वो लोग ये गलत कर रहे हैं। पिछले 2000 साल से इंसान सिर्फ जानवर का मीट ही खाता आया है, जानवर का मीट खाने में कुछ भी गलत नहीं है, इसीलिए वो दोनों यहां से चले जाएं। ये सुनके उन्हें काफी गुस्सा आता है और सोफी उस बंदे को हड़का के भगा देती है। तभी उनसे मिलने एक वेगन आता है जो कि उनसे कहता है कि वो उनके काम से काफी इंप्रेस हुआ है। वो चाहता है कि वो उनके ग्रुप में शामिल हो ताकि उनका ग्रुप और भी स्ट्रांग हो सके। वो उन्हें दोपहर के 2 बजे एक जगह मिलने के लिए इन्वाइट करता है। दोपहर में सोफी और विंसेंट जब उससे मिलने जाते हैं तो विंसेंट अपना क्लीवर निकालता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो बंदा 2 और लोगों के साथ आया है, इसीलिए वो अपना क्लीवर छुपा देता है और उनसे बात करने जाता है। वो लोग उनसे कहते हैं कि आज रात वो एक मीट शॉप पे हमला करने वाले हैं जो कि हाल ही में खुली है और बहुत सारे लोग उससे मीट खरीदते हैं। वो चाहते हैं कि वो लोग भी उनके साथ चले उस शॉप पे हमला करने के लिए। सोफी विंसेंट को इसके लिए मना करती है, लेकिन विंसेंट राजी हो जाता है। वो दोनों उनके साथ उस मीट शॉप में जाते हैं जो कि मार्क की थी, लेकिन विंसेंट मार्क के सक्सेस से चिढ़ता था इसीलिए वो उसकी शॉप को बुरी तरह तोड़ता है। रात को सोफी विंसेंट से कहती है कि उन्हें मार्क के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो विंसेंट उससे कहता है कि वो मार्क से बहुत जलता है और उसे वो करके काफी मजा आया। सोफी उससे कहती है कि वो एक फट्टू इंसान है जिसमें गूदा नहीं है, और ये सुनके विंसेंट उसे फोक दिखाता है और उसे धमकी देता है। वो उससे कहता है कि वो उससे सेपरेट होना चाहता है और वो उसे अकेला छोड़ के वहां से चला जाता है। सोफी कहती है कि वो एक सीरियल किलर की तरह बर्ताव कर रहा है और उसकी ये बात वहां मौजूद एक वेटर सुन लेता है, तो वो उसके पास आके सीरियल किलर्स के बारे में बात करने लगता है क्योंकि वो भी वही शो देखा करता था जो कि सोफी देखती थी। वो सोफी को उसे घर तक लिफ्ट देता है और उसे सेड्यूस करने की कोशिश करता है। जब वो सोफी को किस करता है तो सोफी उसकी जीभ काट लेती है, जिससे उस बंदे को बहुत दर्द होता है और वो उससे कहता है कि ऐसा उसने क्यों किया। सोफी उससे कहती है कि वो उसका बाथरूम यूज करे और खुद को साफ कर ले, तो वो बंदा उसकी बात मान लेता है और उसके वॉशरूम में जाता है। विंसेंट सोफी से पूछता है कि आखिर वो उस बंदे को घर में क्यों लाई है, तो सोफी उसे बताती है कि वो बंदा एक वेगन है जो कि उनका मीट बन सकता है। विंसेंट सोफी से कहता है कि वो उस बंदे को ईज फील कराए और वो मौका देख के उसे मार डालेगा। सोफी उस बंदे को मसाज देती है, लेकिन विंसेंट उसे मारने नहीं आता। ये देख के वो विंसेंट से मिलने जाती है और उससे पूछती है कि वो अभी तक क्यों नहीं आया, तो विंसेंट उससे कहता है कि वो किसी की जान नहीं ले सकता। वो बाहर जाता है उस बंदे को कहने के लिए कि वो अपने घर जाए, लेकिन तभी वो देखता है कि वो बंदा पूरा नंगा है जो कि उसकी बीवी के साथ इंटीमेट होने का प्लान बना के आया था। ये देख के उसे काफी गुस्सा आता है और वो उस बंदे पे हमला करके उसे मार डालता है। सोफी जब ये देखती है तो वो काफी खुश हो जाती है, लेकिन तभी उनकी बेटी रोते हुए उनके घर में दाखिल होती है जो कि अपने बॉयफ्रेंड से परेशान थी। वो दोनों उस लाश को छुपा देते हैं और अपनी बेटी को शांत कराते हैं। उनकी बेटी उन्हें बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड को लगता है कि वो
उसके पीठ पीछे चिकन खाती है, लेकिन उसने उसके लिए नॉनवेज त्याग दिया है और वो चिकन बिल्कुल नहीं खाती। ये सुनके विंसेंट उससे कहता है कि वो तुरंत अपने पति के पास जाए और उससे माफी मांगे। वो उसे वहां से भगा देता है और दरवाजा बंद करता है। फिर सोफी और विंसेंट मिलकर उस लाश को बुचर करते हैं और उसके बाद उसका मीट तैयार करते हैं ताकि अगले दिन वो उसे बेच सके। वो उस बंदे की बाइक को लेक में डुबा देते हैं ताकि पुलिस को कोई सबूत ना मिल पाए। अगली सुबह वो मार्क से मिलने जाते हैं जिसकी दुकान वेगन्स ने जला दी थी। मार्क उनसे कहता है कि उसे खुशी है कि वो दोनों उससे मिलने आए, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि वो भी उन वेगन्स के साथ शामिल थे। मार्क इंस्पेक्टर को डांटता है और उससे कहता है कि वो जल्द से जल्द उन वेगन्स को ढूंढ के लाए। इंस्पेक्टर विंसेंट और सोफी को उससे बात करने के लिए बुलाता है और उनसे कहता है कि उनका जो ईरानियन पोक था वो बहुत ही बेस्ट था, अगर उनके पास और भी पोक बचा है तो आज वो उसे खरीदने आएगा। दोपहर में विंसेंट और सोफी मिलकर ढेर सारा ह्यूमन मीट बेचते हैं। उनकी दुकान पे लंबी लाइन लगी होती है वो मीट खरीदने के लिए, और जब उनका मीट खत्म हो जाता है तो वो शाम को उस वेगन रेस्टोरेंट के ओनर को पकड़ के लाते हैं और उसके बाद उसे बुचर करके अगले दिन उसका मांस बेचते हैं। वो दोनों उस शहर में ढेर सारे कत्ल करने लगते हैं और उन सभी का मांस वो अपने कस्टमर्स को सर्व करते हैं ईरानियन पोक पोल के। कुछ दिन बाद रात को उनसे मिलने विनी नाम का एक वेगन आता है। वो काफी चबी था और वो दोनों उसे मारने वाले थे। वो उसके सामने वेगन होने का प्रिटेंड करते हैं और उस पे हमला कर देते हैं, लेकिन विनी विंसेंट को धक्का देके जंगल की ओर भागने लगता है। तभी विंसेंट विनी के फोन पे कॉल करता है और जब उसका फोन बजता है तो वो उसे पकड़ लेता है, लेकिन इससे पहले वो उसे मारता विनी को हार्ट अटैक आ जाता है और वो मर जाता है। अगले दिन वो दोनों मार्क से मिलने जाते हैं और वो दोनों अब काफी अमीर बन गए थे क्योंकि ईरानियन पोक की वजह से उनका धंधा काफी बढ़ गया था। वो दोनों मार्क और उसकी बीवी को ताने मारते हैं और उन्हें अपनी महंगी चीजें दिखाते हैं। वो उनके लिए अपना सीक्रेट मीट लेकर भी आए होते हैं और जब वो लोग मिलकर उसे खा रहे होते हैं तो मार्क के मुंह में एक पीस मेकर आ जाता है। दोस्तों, पीस मेकर एक डिवाइस होता है जो कि हार्ट पेशेंट्स पहनते हैं। वो लोग विनी का मीट खा रहे थे जो कि एक हार्ट पेशेंट था, इसीलिए मार्क को उसके मीट के अंदर एक पीस मेकर मिला। मार्क विंसेंट से पूछता है कि आखिर उसके पोर्क कहाँ से लाए जाते हैं, तो वो उसे बताता है कि उसके पोर्क ईरान से आते हैं और उन्हें पीस मेकर पहनाया जाता है ताकि वो उन्हें हेल्दी रखे और उनका मीट टेंडर हो। विंसेंट मार्क को ताना मार के ये भी कहता है कि कल जो उनके पास पोर्क आया था वो काफी क्यूट था और उसकी शक्ल सेम उसकी तरह मिलती थी। ये सुनके मार्क को काफी गुस्सा आता है और वो उसे पीटने लगता है। विंसेंट मार्क का एक कान काट खाता है और उसे च्यू करने लगता है। मार्क की बीवी जब ये देखती है तो वो हैरान हो जाती है और विंसेंट उसको थूक देता है। उसके बाद विंसेंट और सोफी फिर से अपने मर्डर्स करने लगते हैं। एक दिन जब वो पिकनिक पे होते हैं तो एक बंदा उनके पास आता है और उनसे कहता है कि वो उनकी जगह पे बैठे हुए हैं। वो यहाँ पे रोज आता है योगा करने के लिए, तो वो दोनों यहाँ से हट जाएं। वो दोनों वहां से हट जाते हैं और उसके बाद उस बंदे को मार डालते हैं। अगले दिन वो एक वेगन फेयर में जाते हैं जहां उन्हें एक बच्चा दिखता है जो कि काफी चबी था। विंसेंट उसकी बॉडी को देख के सोचता है कि काश वो उसका मांस खा सके, लेकिन तभी वहां पे उन्हें उनकी बेटी और उसका बॉयफ्रेंड मिलते हैं जो कि उनसे पूछते हैं कि आखिर वो दोनों यहां पे क्या कर रहे हैं। विंसेंट उन्हें बताता है कि वो भी वेगन्स को सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनकी बेटी का बॉयफ्रेंड उन्हें डांटता है और चिल्ला के कहता है कि वो लोग बुचर्स हैं, तो वो लोग भला वेगन्स से प्यार कैसे कर सकते हैं। वहीं पे वो वेगन बंदा मौजूद होता है जिसने उनके साथ मार्क की शॉप तोड़ी थी और वो उनकी बातें सुनके समझ जाता है कि वो दोनों वेगन नहीं हैं। उसके बाद विंसेंट और सोफी एक लड़की को पकड़ते हैं और रात को उसे बुचर करते हैं। तभी विंसेंट का क्लीवर टूट जाता है तो वो अपनी शॉप में जाता है दूसरा क्लीवर लेने के लिए। तभी उसके दरवाजे पे इंस्पेक्टर आता है जो कि उससे कहता है कि उसका पोर्क बहुत ही स्वादिष्ट है और कभी कभी तो उसे लगता है कि वो पोर्क नहीं हो सकता। वो उसकी बुचरिंग देखना चाहता है तो क्या वो उसे देख सकता है। विंसेंट उसे इनकार कर देता है और उससे पूछता है कि वो इतनी रात को क्यों घूम रहा है, तो वो ऑफिसर उसे बताता है कि हाल ही में उनके शहर से 10 वेगन्स गायब हो गए हैं और किसी को भी नहीं पता कि वो कहां पे चले गए। उसे लगता है कि यहां पे मर्डर्स हो रहे हैं, इसीलिए वो रात को निगरानी दे रहा है। ये सुनके विंसेंट काफी डर जाता है और वो इंस्पेक्टर वहां से चला जाता है। विंसेंट सोफी के पास जाता है और उससे कहता है कि अब वो और मर्डर्स नहीं कर सकते। उसे लगता है कि पुलिस को उन पे शक है और वो पकड़े जाएंगे। वो लोग कैनिबल्स बनते जा रहे हैं जो कि उनके लिए ठीक बात नहीं है। तभी उनके घर में उनकी बेटी का बॉयफ्रेंड आता है। वो उनसे कहता है कि उसके कई सारे वेगन दोस्त गुम हो गए हैं, इसीलिए वो काफी टेंशन में था और तभी आज उसने उन दोनों को डांट दिया। वो उनसे माफी मांगता है उसके बिहेवियर के लिए। सोफी ये देख के विंसेंट को इशारा करती है कि क्यों ना वो इसे मार डालें। तो विंसेंट उस लड़के को धक्के मार के बाहर निकाल देता है और उससे कहता है कि वो फिर से उनसे मिलने कभी ना आए। वो सोफी को डांटता है और उससे कहता है कि वो उनकी बेटी का बॉयफ्रेंड था और अगर वो मरता तो उनकी बेटी जिंदगी भर रोती रहती। वो अब और किसी का मर्डर नहीं कर सकता, इसीलिए वो अपना काम बंद कर रहे
रहे हैं। अगले दिन सभी कस्टमर उसका पोक खरीदने के लिए लाइन लगाए होते हैं, लेकिन विंसेंट कहता है कि उनका पोक अब सप्लाई होना बंद हो गया। ये सुन के सभी लोग उनकी दुकान खाली करके चले जाते हैं और कोई भी वापस नहीं आता। सोफी विंसेंट को डांटती है और उससे कहती है कि उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था और उसके इस डिसीजन से उनका बिजनेस अब बेकार चलेगा। ये सुन के विंसेंट उससे रूठ जाता है और अपने डॉग के साथ वो जंगलों में चला जाता है। इधर सोफी की शॉप पे वो तीनों वेगन आते हैं जो उस पे हमला करने आए थे। वो उससे कहते हैं कि उसने वेगन बनने का नाटक क्यों किया और उसे बंदी बना लेते हैं। शाम को विंसेंट जब अपने डॉग के साथ अपने घर वापस आ रहा होता है तो अचानक उसका डॉग भौंकने लगता है। तभी विंसेंट वहां पे उन वेगन्स की गाड़ी को खड़ा पाता है, जिससे वो समझ जाता है कि जरूर उसकी बीवी को उन वेगन्स ने बंदी बनाया होगा। इधर वो वेगन सोफी को जान से मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी विंसेंट चाकू लेके वहां पे आता है और उन पे हमला कर देता है। वो लड़की के सर पे क्लीवर फेंक के मारता है जिससे उसकी मौत हो जाती है और उनका डॉग उस आदमी को काट खाता है जो कि उन वेगन्स को लेकर आया था। उसके बाद विंसेंट उनके लीडर से लड़ता है और बुरी तरह पिटता है। वो वेगन उसके सीने में चाकू घुसा देता है जिससे उसे बहुत दर्द होता है। तभी सोफी अपने आप को छुड़ाती है और उस वेगन के आंख में हुक घुसा देती है जिससे उनके लीडर की भी वहीं पे मौत हो जाती है। उसके बाद वो विंसेंट के सीने से चाकू निकालती है और उसे गले लगा लेती है। वो दोनों पुलिस के सामने खुद को सरेंडर कर देते हैं और अपने क्राइम्स के बारे में बता देते हैं। उस क्राइम शो पे मार्क और उसकी बीवी को बुलाया जाता है जहां वो बताते हैं कि वो दोनों काफी अच्छे इंसान थे। एक दिन उन्हें उनके खाने में पीस मेकर मिला जिससे वो समझ गए कि दाल में कुछ काला है, लेकिन उन्होंने उस बात को नजरअंदाज कर दिया था। विंसेंट और सोफी को सजा सुनाई जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी बारबेक्यू फिल्म की कहानी जो कि काफी खतरनाक थी। विंसेंट और सोफी का बिजनेस बिल्कुल भी नहीं चल रहा था और जब उन्होंने एक वेगन को गलती से मार दिया तो उन्होंने फैसला किया कि वो उसके मीट को सेल करेंगे। लोगों को उसका मीट बहुत ही पसंद आया और वो उसे चाव से खाने भी लगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो पोर्क का नहीं बल्कि इंसान का मीट है। दोस्तों, इंसान पैसों के लालच में इतना गिर जाता है कि उसे ये नहीं पता चल पाता कि वो क्या कर रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान को कभी ग्रीडी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ग्रीड एक ऐसी चीज है जो कि आपसे कुछ भी करवा सकती है। दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि अगर आप सोफी और विंसेंट की जगह होते तो आप क्या करते। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी 2003 में आई द ग्रीन बुचर की कहानी से काफी मिलती जुलती है। द ग्रीन बुचर को भी हमने एक्सप्लेन कर दिया है और अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे अभी जाके देखिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।